Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie sir here, and now we are going to get discuss about the magnetic moment of revolving electron. Any परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण क्या? तो मानते हैं कि ये कोई नाभिक है जिसका आवेश जो है प्लस जेड ई है, आर त्रिज्या है, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इसके आसपास चक्कर लगा रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन वर्तुल गति करता है तो यहाँ पर कुछ धारा प्रवाहित होती है। ध्यान रखिएगा, माना कोई परमाणु जिसका आवेश q इक्वल टू जेड ई है, इसकी त्रिज्या स्मॉल r है। जब इसकी सतह पर कोई ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, अर्थात एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चक्कर लगाता है, तो इसकी वर्तुल गति के कारण यहाँ पर धारा प्रवाहित होती है, और जिसका मान होता है I equals to E upon T, जहां T बराबर 2 pi R upon V, तो I equals to हो जाएगा E upon 2 pi R upon V, ये आ जाएगा। जबकि चुंबकीय आघूर्ण यहां पर जो हमने M जानते हैं उसको म्यू L से भी डिनोट किया गया है, इक्वल टू आई ए होता है आई एन टू पाई आर स्क्वायर। तो म्यू एल इक्वल टू आई का मान रख दीजिए ई वी अपॉन टू पाई आर एन टू पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई और एक आर से आर, तो म्यू एल का मान आ जाएगा ई वी आर अपॉन टू, ठीक है ना, ये आएगा। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, ऋण आवेश होता है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे म्यू एल इक्वल टू माइनस ई, ये आवेश जो है इसका ई वी आर अपॉन टू, और हमने इलेक्ट्रॉन के मास से गुणा और भाग कर दिया, एम ई से गुणा और भाग, तो ये इसका मापांक मान है। ध्यान रखिएगा, आप साधारणतया ऐसे लिखेंगे एम वी आर अपॉन टू एम ई, ये आ जाएगा, और एम टू ये है ई। तो ये जो होता है इतना पोर्शन, ये होता है L M V R, कोणीय संवेग इसे बोलते हैं, कोणीय संवेग। तो ये वैल्यू आ जाएगी म्यू एल इक्वल टू एल इनटू स्मॉल ई अपॉन टू एम, ये आया। तो म्यू एल अपॉन कैपिटल एल इक्वल टू ई अपॉन टू एम, इसे बोलते हैं घूर्ण चुंबकीय अनुपात, घूर्ण चुंबकीय अनुपात, ठीक है ना। यानी चुंबकीय आघूर्ण तथा इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण तथा कोणीय संवेग के अनुपात को घूर्ण चुंबकीय अनुपात कहते हैं, और ये इसका मान ये होता है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8.8 इंटू 10 पावर 10 कूलम पर केजी, ये इतना मान होता है। तो ये डायरेक्ट आप ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन के लिए घूर्ण चुंबकीय अनुपात का मान इतना होता है, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दोनों मान रख देने से प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसी समीकरण को हल करते हैं, ये जो म्यू एल का मान आया है ये है म्यू एल इक्वल टू ई अपॉन टू एम ई इंटू एल, और L का मान होता है एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, ठीक है ना, इसके मान के इक्वल भी होता है। तो म्यू एल इक्वल टू ई अपॉन टू एम ई इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, अगर ये रख दें तो म्यू एल आ जाएगा एन ई एच अपॉन फोर पाई एम ई, जहाँ ई का मान 1.6 इंटू 10 भाग माइनस 19 कूलम, एच प्लैंक नेतांक है, ठीक है ना, 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 के जी, और पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है। तो बोर की शर्त के अनुसार अगर हम यहाँ पर देखें, बोर क्वांटीकरण शर्त के अनुसार अगर देखें, बोर क्वांटीकरण शर्त से n की वैल्यू 1 लेंगे, अगर
एन की वैल्यू वन लेते हैं तो ये मान जो होगा ये क्या होगा, सबसे कम होगा, क्योंकि अब इसके आगे एन के मान बढ़ते ही जाएंगे किसी परमाणु के लिए, तो जो भी ये मान आएगा उतने ही गुना होता जाएगा। अर्थात अगर देखें तो ये चुंबकीय आघूर्ण का जो मान है म्यू एल, ये एन बराबर वन के लिए सबसे कम होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसको इसी को बोर मैग्नेट्रॉन बोलते हैं, ओके, ये क्या है, बोर मैग्नेट्रॉन ये बोलते हैं। तो इसका मान कितना हो जाएगा देखिएगा, वन एम टू, ये सारे मान रख दीजिए, ई एच अपॉन फोर पाई एम ई, ये जब मान रख कर निकालेंगे इसका मान, तो इसका मान आ जाएगा 9.27 इंटू 10 पावर माइनस 27 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, तो बोर मैग्नेट्रॉन का मान 9.27 इंटू 10 पावर माइनस 27 एम्पियर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और ये मान चुंबकीय आघूर्ण का सबसे न्यूनतम मान होता है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये इसकी बोर मैग्नेट्रॉन की शर्त के अनुसार इसका चुंबकीय आघूर्ण का न्यूनतम मान n बराबर 1 के लिए प्राप्त होगा, और जिसे बोर मैग्नेट्रॉन बोलते हैं इसका मान 9.27 इंटू 10 पावर माइनस 24 होता है, ये 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर इतना होता है। ध्यान रखिएगा, ये 9.27 इंटू 10 पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो ये है बोर मैग्नेट्रॉन का मान, ओके।